तो दोस्तों, वन प्लस सेवन के लॉन्च से पहले हमें उसका एक फोटो जो है वो लीक होने को मिला है, जिसमें वन प्लस सेवन का अबाउट सेक्शन खुला हुआ दिखा था, जिसके अंदर हमें बहुत सारी स्पेशल फीचर्स जो हैं वो लीक हो चुकी हैं। तो क्या कुछ है वन प्लस सेवन में स्पेशल फीचर्स, क्या कुछ हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं, तो इसमें हमें 6.67 इंचेस का सुपर ऑप्टिक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें हमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। पूरे हमारे डिस्प्ले में कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई पंच होल देखने को मिलेगा, बल्कि इसमें हमें देखने को मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा। जैसे कि इमेजेस लीक हुई हैं, इसमें कोई भी हमें नॉच देखने को नहीं मिला है और हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के पूरी चांसेस हैं। वहीं अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ़ोन के अबाउट सेक्शन में भी इसके चिपसेट की जानकारी स्नैपड्रैगन 855 ही दी गई थी। वहीं अगर मैं बात करता हूं इसमें एंड्रॉयड की, तो इसमें एंड्रॉयड 9.0 पाई देखने को हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके मेमोरी की, तो इसमें हमें 8 GB प्लस 256 GB वाला मेमोरी देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम तीसरी चीज़ की ओर बढ़े, तो ये हमारा कैमरा आता है। इसके अंदर हमें ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 48 MP, 16 MP और 8 MP का देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये सोनी IMX सेंसर में आएगा या फिर किसी और सेंसर में देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ उसके फ्रंट कैमरा की, तो ये हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नॉच देखने को नहीं मिली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके वेरिएंट्स के बारे में, तो इस बार वन प्लस का 7T आने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, बल्कि वन प्लस 7 Pro जो है वो लॉन्च हो सकता है वन प्लस 7 के बाद, और साथ ही साथ वन प्लस 7 5G स्मार्टफोन इसका तीसरा वेरियंट हो सकता है। वहीं अगर मैं लॉन्च डेट की बात करता हूँ, तो लॉन्च डेट इसकी फ़िलहाल तो कोई भी आसार नहीं है, लेकिन जो वन प्लस 7 है वो अराउंड 1 या 1.5 मंथ के बाद लॉन्च हो सकता है और इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके प्राइसिंग की, तो वन प्लस 7 6 की अगर हम बात करें, तो उसकी प्राइसिंग जैसी थी उस हिसाब से वन प्लस 7 की प्राइसिंग लगभग 45 से 50 हज़ार के बीच में होने वाली है। तो यही कुछ था वन प्लस 7 के बारे में लीक्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।